अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा सवाल है कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो को बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो क्यों कहा जाता है? लफ्ज बीबी का कहना हम लोगों के लिए क्या दुरुस्त है या सही है, इसे कुरान और हदीस की रोशनी में हम तक पहुँचाए? और बड़ा मेहरबानी होगी कि आप मुझे इसका लिंक मेरे व्हाट्सएप पे ही डाल दें, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे एक भाई साहब हैं जो सवाल पूछ रहे हैं और आखिर में कह रहे हैं कि इसका लिंक हमारे व्हाट्सएप पर डाल दें। तो देखिए, आपका ये सवाल जहां रिसीव हुआ है वो एक अलग जगह है, मेरे पास जहां से आपका सवाल पहुंचा है वो एक अलग जगह है, और यहां मेरे पास आपका कोई कांटेक्ट नहीं है। यहां बैठे हुए जो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, यहाँ मेरे पास आपका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ सवाल है मेरे पास, और ये सवाल रिसीव करने वाले दूसरे हमारे अहबाब होते हैं और फिर वो मुस्तक इसको पहुंचाते हैं, इसलिए वो आपको जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से आपको कोई लिंक नहीं दे सकता। बहरहाल, आपका सवाल ये है कि अल्लाह के नबी ससलम की बेटी फातिमा रजी अल्लाह अनहा, आपने अनहो कहा है सवाल पूछते हुए, शायद अनहो आपने कहा है, तो अनहो नहीं अनहा है। अनहो कोई मेल मुजक्कर सहाबी हो तो उनके लिए कैसे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अनहो कहा जाता है, लेकिन सहाबियाँ हैं तो उनके लिए अनहा बोला जाता है, ये फ़र्क है। तो आपका कहना है कि फातिमा रजी अल्लाह अनहा अल्लाह के नबी सल्लम की साहबजादी, तो इनके आगे बीबी क्यों लगाते हैं? बीबी लगाते हैं, आपने पता नहीं बीबी ही कहा है या बीवी कहा है, सही से मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तो आपने इसका मतलब पूछा है कि उनको बीबी क्यों कहते हैं, तो सबसे पहले तो ये जहन रख लें कि उनको बीबी बी फिर बी बीबी कहते हैं, बीबी फातिमा कहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि उनको ऐसा क्यों कहते हैं, आपके सवाल से ऐसा लग रहा है कि ये कोई मायूब लफ्ज है बीबी, या पता नहीं आप उसको बीबी समझ रहे हो, लेकिन ये असल में बीबी लफ्ज है, ये कोई मायूब लफ्ज नहीं है। उर्दू में इसका माना एक मुअज्जज खातून, यानी एक बड़ी औरत जो है, पाकबाज औरत, अच्छी औरत, इज्जतदार औरत, तो उसके लिए बीबी कहा जाता है। तो किसी बुजुर्ग, बड़ी, मुकद्दस, पाकबाज, बड़ी हस्ती, इस तरह की कोई औरत हो तो उसको बीबी कहा जाता है। तो फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की इज्जत करते हुए कोई बीबी कहता है तो इसमें आपको इश्काल क्या है? इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये लफ्ज़ कोई बुरा लफ्ज़ नहीं है, बल्कि इज्जत के लिए बोला जाता है, एहतराम के लिए बोला जाता है। तो अगर कोई बोलता है, लिखता है बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि ये जो लफ्ज़ है बीबी, इसका कोई गलत माना नहीं, ये उर्दू का वर्ड है, उर्दू का, कोई गलत माना नहीं। आपके पास जो भी उर्दू जानने वाले लोकल उलमा हो, आप डिक्शनरी में खोल के, उर्दू डिक्शनरी में खोल के देख लें बीबी का माना, आपको कोई गलत माना नहीं मिलेगा। इसलिए जो लोग बोलते हैं वो इज्जत एहतराम में बोलते हैं, इसलिए गलत नहीं करते हैं। तो ये लफ्ज़ का जब माना ही गलत नहीं है तो इश्काल की कोई बात ही नहीं है। उम्मीद है कि ये चीज़ आपके लिए वाजह हो गई होगी। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें, iPlus TV को जरूर डोनेट करें।